बच्चों, अब हम तीसरा गुणधर्म लेते हैं। इसे हम ऋणात्मक गुणधर्म के रूप में भी याद रख सकते हैं। क्या है ऋणात्मक गुणधर्म? हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। दूसरा इसमें है टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और थर्ड लेते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, वेयर एक्स मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। अब इनमें से प्रत्येक को हम सिद्ध कर सकते हैं। बच्चों, मैं इनमें से कोई एक को हल करके दिखाता हूं, जैसे फर्स्ट वाले को हल करके दिखाता हूं। कभी कभी पूछ देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये पूछ देते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखा जा सकता है एक एक ही आच्छादक होने के कारण माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ वाई। इसको लिखा जा सकता है एक्स इज इक्वल टू, अब ये किस चतुर्थांश में साइन निगेटिव होता है ये ध्यान रखना है। तो चौथे चतुर्थांश में साइन निगेटिव होता है। इनवर्स फंक्शन के लिए विशेषता ध्यान रखना है, तो इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ माइनस वाई। अब चूंकि एकैकी आच्छादक होने के कारण पुनः इसको लिखा जा सकता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये एकैकी आच्छादक होने के कारण इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू रखते हैं तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और y का मान है साइन इनवर्स ऑफ माइनस x, और देयरफॉर इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस x। माइनस को ट्रांसपोज कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। देयरफॉर हम इस प्रकार से इसको सिद्ध कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम अन्य दो को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें अगला जो गुणधर्म है, क्या क्या बच गया आपका? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का निगेटिव। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, जहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, यानी इसका रेंज। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये भी आता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं। और लास्ट इसमें सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, वेर एक्स या मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। तो इनमें से मैंने तीन तीन का ग्रुप बना के लिया है बच्चों। इसमें ये तीन जो है डायरेक्टली देता है माइनस में देता है, और ये तीन जो है पाई माइनस में देता है। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इस रूप में तीनों आता है। तो ये ग्रुप को याद रखेंगे
तो आसानी से इसको दिमाग में रखा जा सकता है। इनमें से हम एक यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए ये फोर्थ वालों को हम हल करते हैं। इसमें हम सपोज कर लेते हैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज कर लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, और इसको लिखा जा सकता है एकाएकी आच्छादक होने के कारण माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई इम्प्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ वाई। अब देखिए बच्चों कॉस वाई कहाँ निगेटिव होता है? द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। ये ध्यान रखेंगे, पुनः एकाएकी आच्छादक होने के कारण इसको लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है वाई माइनस वाई पक्षांतर कर दो इधर और कॉस इनवर्स को ले जाओ राइट साइड में, तो इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और वाई यहां से देखिए फ्रॉम वन एक से वाई की वैल्यू रखो तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और इस प्रकार से हम इस रिजल्ट को सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जहां पर एक्स बिलोंग्स टू, यहां पर लिख सकते हैं वेयर एक्स बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम अन्य दो गुणधर्म को स्वयं सिद्ध कर सकेंगे। यदि आप इसको ध्यान रखते हैं तो ये आपको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शेष जो गुणधर्म छोड़ा जा रहा है आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप इसी प्रकार से आप इसको सिद्ध करेंगे। अब हम अगला गुणधर्म देखते हैं। इस गुणधर्म को हम पूरक गुणधर्म के रूप में याद रख सकेंगे बच्चों। पूरक गुणधर्म, इसमें से पहला गुणधर्म है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, जहां एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन इनक्लोज इंटरवल। सेकंड वाला है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, और जहां एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं। और थर्ड है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, जहाँ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर नर इक्वल टू वन। तो इन शर्तों को भी याद रखना इनके साथ साथ बच्चों, तो इनको कहते हैं पूरक गुणधर्म। इन सभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में देखिए जोड़ी है, पेयर है, पहले में साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का पेयर है, इनका योग पाई बाई टू होता है। दूसरा में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका योग पाई बाई टू होता है। और थर्ड में कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इनका योग पाई बाई टू होता है। तो इनमें से हम प्रत्येक को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो जैसे मैं इनमें से एक को सिद्ध करके दिखाता हूँ, जैसे पहला वाला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। बच्चों ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड क्लास में कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। तो चलिए पहला को सिद्ध करने के लिए हम ले लेते हैं, इनमें से किसी एक को हम, जैसे मान लीजिए हमको पहला सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू को सिद्ध करना है। ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। तो इनमें से किसी एक को हम वाई मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई।
अब यहाँ पर जब साइन इनवर्स एक्स को वाई मानते हैं तो इसको लिखा जा सकता है एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन एकैकी तथा आच्छादक होते हैं। यहाँ कारण भी लिख सकते हैं, चूंकि साइन इनवर्स एक्स एकैकी तथा आच्छादक फलन है इसलिए इसको हम x इज इक्वल टू साइन वाई लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, पूरक गुणधर्म, तो साइन का पूरक अनुपात कौन सा होता है? कॉस। ध्यान दीजिए बच्चों, साइन का पूरक कॉस फलन होता है, ठीक है। और यदि ये कोण है y, तो उसका पूरक कोण पाई बाई टू माइनस y होगा। तो पूरक कोण, y का पूरक कोण, ये भी ध्यान रखना है, y का पूरक कोण पाई बाई टू माइनस y, और साइन का पूरक अनुपात, पूरक अनुपात या पूरक फलन कॉस होता है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर ये केवल जानने के लिए लिख दिया हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये आप याद रखे हैं, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये सूत्र आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो साइन वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाई टू माइनस वाई। अब इसको लिखा जा सकता है एकैकी आच्छादक होने के कारण कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई। इसको लिखा जा सकता है y प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, माइनस वाई का पक्षांतर कर दिया। अब हम यहाँ से y की वैल्यू जिसको हमने सपोज कर रखा है रख देते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x इज प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, जहाँ पर x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन है। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं बच्चों, ठीक इसी प्रकार से जो अन्य दो है आप स्वयं सिद्ध करेंगे।